हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष विश्वकर्मा, जो आपके लिए दोस्तों बॉक्स लिखा है, ये देखिए हमारा इन डिजिटल का बॉक्स है दोस्तों। इसका मॉडल नंबर है DVB C8080CL। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखिए अभी ये चालू हो गया है, ये 5 मिनट 10 मिनट चलेगा दोस्तों, ये बंद हो जाता है। 5 मिनट से 10 मिनट चलेगा दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। फिर 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद फिर से दोस्तों ये चालू होता है। तो ये दोस्तों ऐसे कंडीशन में दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए दोस्तों, ये कंडीशन में देखिए बंद हो गया, अभी बंद हो गया दोस्तों, फिर से देखिए बंद हो गया है। तो ये कंडीशन में दोस्तों हमारा सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट क्लियर है, उसके बाद से हम यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर होने के बाद से हमारा जो ये पहला IC होता है जो हमें 5 वोल्ट देता है वो चेक करेंगे, हमारा 5 वोल्ट क्लियर है दोस्तों। उसके बाद से हमारा जो ये दूसरा IC है जो 1.1 देता है हमें, तो देखिए 1.1 भी सही है। फिर ये हमारा 5 वोल्ट से हमारा 3.3 के लिए रेगुलेटर है दोस्तों, ये भी हमारा क्लियर है, देखिए 3.3, ठीक, ये देखिए 3.3 क्लियर है। उसके बाद से दोस्तों हमारा ये जो रीसेट होता है यहाँ पे चेक करेंगे, 3.3 से आउटपुट 3.3 चाहिए। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए 3.3 आ रहा है दोस्तों, लेकिन हमें यहाँ पे 3.3 नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये कंडीशन में ये हमारा रीसेट खराब हो गया है, ये जो हमारा देखिए रीसेट खराब हो गया है। इसका जो मॉडल नंबर होता है दोस्तों, इसमें तो अभी ये है ADFB, इसका नंबर है ADFB, लेकिन इसमें और भी नंबर आते हैं जैसे कि 808। तो दोस्तों कोई भी है, दोनों में से कोई भी रहेगा तो आप लगा सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों इसे यहाँ से निकाल देंगे। और कमेंट आता है सर आप कंपोनेंट कहाँ से लाते हैं, रीसेट कहाँ से, रजिस्टर कहाँ से। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोस्तों हम खरीद के कहीं से भी नहीं लाते, हम भी इधर से उधर बॉक्स से ही निकालते हैं। जैसे कि अभी देखिए हमारे पास कोई भी एक बॉक्स हो जो हमारा रीसेट का होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका नंबर है ADAA, ये भी रीसेट का वर्क करता है सेम दोस्तों। तो यहाँ से हम इसे निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से इसे निकाल दिया है और अभी हम यहाँ से इसे, तो दोस्तों देखिए हमें यहाँ पे इसे लगाएंगे। और दोस्तों हमें सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे और भी कंपोनेंट रजिस्टर हैं जो खराब ना हो, इसे ध्यान से लगाएं। आप मशीन से भी लगा सकते हैं, ब्लोअर मशीन आपके पास है। सबसे जरूरी दोस्तों होता है इसमें फिनिशिंग का काम, जैसे फिनिशिंग नहीं रहेगा दोस्तों तो ये हमारा अच्छे से वर्क नहीं करेगा। और अभी हम चेक करेंगे दोस्तों जो इसका वोल्टेज जो हमारा यहाँ पे 3.3 इनपुट हो रहा है, आउटपुट चेक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा 3.3 क्लियर आ गया है। और अब दोस्तों हम चेक करेंगे हमारा चालू हुआ या नहीं हुआ है। दोस्तों देखिए हमारा चालू भी हो गया है और आवाज भी आ रहा है, मतलब दोस्तों हमारा सभी चीज चालू हो गया। तो मैंने आपको दिखाया दोस्तों एक रीसेट प्रॉब्लम था, रीसेट के वजह से ये दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा था। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर और शेयर भी कर दोस्तों, इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो भी करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।